अजीब बात ये कि मार्च का महीना लाहौर की यूनिफॉर्म फोर्स के लिए नहायत खतरनाक साबित हुआ। 4 मार्च सन 2008 को लाहौर में पाक बहरिया के नेवल वॉर कॉलेज में खुदकुश हमले से भारी नुकसान हुआ था। इसके एक हफ्ते बाद ही 11 मार्च को टेंपल रोड पर FIA हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। 3 मार्च सन 2009 को लिबर्टी चौक लाहौर पर श्रीलंकन टीम की आमद के मौके पर होने वाले दिलखराश वाकये के जख्म मुंदमिल न हो पाए थे कि 30 मार्च सन 2009 को मनामा का ये वाकया पेश आया। जब अटैक हुआ तो उस वक्त सबसे पहले हमारे दो उस्तादों ने फौरी तौर पर कॉशन किया, क्योंकि उन्होंने बाहर से ग्रेनेड फेंके थे अंदर और पिछली तरफ से आए थे मस्जिद की तरफ से। तो फौरी तौर पर उस्तादों ने कॉशन दिए, दो उस्ताद जो हमारे वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कॉशन दिया कि सारे ज़मीन पर लेट जाओ, अटैक हो गया। अच्छा, ज़मीन पर लेटना पहला प्रिवेंटिव स्टेप होता है, क्योंकि जब कोई ब्लास्ट होता है तो उसकी जो नॉर्मल वेव्स होती हैं या स्प्लिटर्स होते हैं वो इस शक्ल में ऊपर को जाते हैं। सो लिहाजा वो जो लोग नीचे लेटे हुए होते हैं वो सारे उससे बच जाते हैं, जो खड़े हुए हों उनके मुंह पे और सीने के ऊपर वो चीज़ें लग सकती हैं जिससे उनकी हलाकत हो सकती है। जितनी देर में वो लोग छलांगे लगा के अंदर आए उस वक्त तक हमारी 75% नफरी जो है वो क्रॉलिंग करती हुई निकल चुकी थी और दीवारों से बाहर जा चुकी थी, बाकी जो अंदर थे वो ज़मीन पर ही लेट रहे। अब यहाँ पर फायरिंग हो रही थी, उस फायरिंग में सबसे पहले जो बाउंड्री वॉल्स के साथ और गेट के ऊपर हमारे तीन बेसिकली फायरर मौजूद थे, उनमें से एक फायरर ने जो फायर किया वो स्टेज पर खड़े हुए दहशतगर्द के हाथ पे लगा और उसके लगने की वजह से ही वो फौरी तौर पर, जब उन्हें ये हुआ कि जी हम पे फायर बैक हो गया, तो वो फौरी तौर पर उस स्टेज के पीछे गैलरी थी जहाँ CLI ऑफिस था और ऊपर की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, वो उस गैलरी की तरफ दौड़े। तो फिर हमारा जो पीछे एक फायर मौजूद था उसने फायर किया, वो जो फायर हुआ वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमत थी कि उस फायर होने की वजह से दहशतगर्दों को कुछ समझ नहीं आया कि आगे से भी फायर हुआ है पीछे से भी फायर है। तो उन्हें जो पहली सीढ़ियाँ नज़र आईं बिल्कुल उनके करीब थी, वो उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। उनका ऊपर चढ़ना असल में उनकी मौत थी और ये उनकी बहुत बड़ी वाइटल गलती थी। वो जब ऊपर गए तो पहले फ्लोर पे एक ट्रेनी ड्यूटी कर रहा था, उसको उन्होंने शूट किया। ऊपर जब गए सेकंड फ्लोर पे गए तो एक उस्ताद 104 के बुखार में पर लेटा हुआ था, उसको लेटे हुए उन्होंने शहीद कर दिया फायर मार के, और फिर उन्होंने ऊपर से अटैक करना शुरू किया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये इस प्रोसेस में फिर बहुत सारे ट्रेनी जो उनसे थे वो इवैक्यूएट कर गए और जो हमारी बाउंड्री वाल के पास फायर मौजूद थे वो वक्फे वक्फे से, क्योंकि महदूद फायर होते हैं इनके पास, वो वक्फे वक्फे से शीशे में फायर मारते रहे ताकि उन्हें फील होता रहे कि उनको काउंटर हो रहा है। रेस्क्यू को भी कॉल किया गया, इमरजेंसी को भी कॉल किया गया, 15 को भी कॉल किया गया और फौरी तौर पर नफरी मांगी गई। ग्राउंड फ्लोर को जब एलीट ने टेक ओवर कर लिया तो उसके बाद उनके लिए अब नीचे उतरने का रास्ता नहीं था, अब उनके पास सिर्फ एक छत बच गई थी। वरना अमूमन इतनी ज़्यादा तादाद में जो एमुनेशन लेके आएँ और ग्रेनेड लेके आएँ ये अटैक करके दौड़ जाने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो वो काउंटर करना और फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर को टेक ओवर करना, फिर सेकंड फ्लोर को टेक ओवर करना और फिर सामने से G3 लगा दी गई। G3 से मुसलसल फायर हो रहा था इसलिए वो सर नहीं उठा सकते थे और नीचे से फिर फायर हो रहा था सीढ़ियों की तरफ से तो वो नीचे नहीं उतर सकते थे। और अल्टीमेटली जब वो बिल्कुल उनके ऊपर कॉर्डन क्लोज हो गया और उनको नज़र आ गया कि अब हमें उड़ा दिया जाएगा, हमें पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने अपने आप को ब्लास्ट किया, मजबूर कर दिया पुलिस ने अपनी स्ट्रेटजी की मदद से कि उनको महदूद करते 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 एक कमरे तक ले जाएं और उस कमरे में भी इस पोजीशन में ले जाएं कि वो सर भी ना उठा सकें और फिर इस पोजीशन में उन्हें ले जाएं कि वो खुद को उड़ा दें। अमन अमान के क़याम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने में कौन सी रुकावट दरपेश है, इसका संजीदगी से पता लगाने की जरूरत है। खून इंसान की अरजानी पर काबू कैसे पाया जाए, इस सवाल के तलाश की जरूरत है। अफरा तफरी और खौफ और सरासीमगी की फिजा कब खत्म होगी, मुतासरीन मुंतजर हैं। पहले इनको जब थ्रेट दिया हुआ था इनको पता, इनको चाहिए था ना कि कोई हिफाजत करते, इन्होंने कोई हिफाजत नहीं की, इनको पता नहीं कैसे आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। वो कच्ची सीटें लगी थी वहाँ पे पाँव रख के वो अंदर आ गए हैं, गरीबों के बच्चे मरवाए जा रहे हैं, कोई नहीं ये सोचता कि अब इनकी भी हिफाजत चाहिए। जब इन्होंने आगे कौम को हिफाजत के लिए बंदों को बच्चों को ट्रेनिंग देनी है ना, तो ट्रेनिंग की पे ही कोई हिफाजत नहीं होगी तो पीछे बच्चे भी बाकी दूसरे कैसे जाएंगे। वो अपनी वो कैफियत नहीं बता सकता जिस कैफियत के साथ, बल्कि मैं तो कंधा दे ही नहीं रहा था, मेरे से हिम्मत ही नहीं थी इतने बुढ़ापे के लाचारी के अंदर
वो तो मेरे अजीज व कारम ने मुझे आगे होकर कहा, यार कंधा बेटे को दे दे, तो सब्र आ जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से कंधा दिया, लेकिन कंधा देते वक्त मेरा उससे ये सवाल होता रहा रुहेर के साथ, कर रुहेरी तूने क्या किया है, तूने मुझे कंधा देना सा, आज तुझे मैं कंधा दे रहा हूँ, क्या हो गया तेरे साथ। मनावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वसीओ अरीज रकबे पर वाक़ है, जिसके चारों तरफ चार दीवारी है। कहा जाता है कि उस वक्त ये इमारत गैर महफूज थी और अब ये एक किले का नक्शा पेश कर रही है। मुतासरीन का कहना है कि दीवारें इतनी छोटी थी कि कोई भी शख्स आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। 31 मार्च की शाम को मैं और वो फवाद इसका दोस्त और एक और इसका दोस्त था आसिफ, हम तीनों गए थे इसका सामान वगैरह कपड़े वगैरह मोबाइल लेने के लिए। तो वहाँ पे बैठे काफ़ी देर बात होती रही, तो वो कहने लगे कि उन्होंने जगह दिखाई थी कि जिस जगह पे इसकी वो ये 9 नंबर कोई था इनका, वो जो इसका बैज टाइप कह लें, जिसमें ये पलटून कह लें जो था, तो वो कहते इस जगह पर खड़ी थी, ऐसे अटैक हुआ है। तो उसके बाद जो है वो यहाँ से अफरा तफरी मची है। तो वो जो बिल्डिंग जो बता रही थी जगह जगह पे गोलियों के निशान, वो ऐसे जैसे इंसान किसी का कील मारता है तो वो कच्ची सी बिल्डिंग होती बाहर रहती है। तो ये ट्रेनिंग की जगह नहीं थी, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो शायद वो था रेलवे का किसी ज़माने में वर्कशॉप होती थी, तो वो उसी बिल्डिंग को उन्होंने बस खाली वाइट वॉश करके तो वो ट्रेनिंग के लिए डाल दिया, ना कोई सिक्योरिटी ना कुछ। वो तो ऐसे था कि मैं गेट से ना जाता, दीवार फलांग के चला जाता, तो मुझे भी किसी ने नहीं रोकना था। डीआईजी ऑपरेशन गुलाम महमूद डोगर के ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपना काम कर रही होती हैं, लेकिन एक आदमी जो कि अपने आप को मारने के लिए आया हुआ है, आप उसको कैसे रोकेंगे? और मैं समझता हूँ कि बड़े हाईटेक जो सोसाइटीज़ हैं वो अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं निकाल सके। तो हम लोग तो खैर इतने पर ज़्यादा इक्विप्ड भी नहीं है, लेकिन जज्बा ज़रूर है। और बहुत सारे ऐसे हमले लोगों ने रोके भी हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने अपनी खुद कुर्बानी देके बहुत सारे ऐसे हमले उन्होंने रोके, जिसमें कि फिदाई हमलावर जो है उसको पब्लिक से बहुत ज़्यादा पहले इसको चेक किया गया और वो उसने अपने आप को फाड़ने पे उसको मजबूर कर दिया, उसमें हमारे पुलिस वालों की जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, लेकिन बड़े नुकसान से उन्होंने बचा लिया। कॉन्स्टेंट ये एक वॉर है हमारे माइंड और टेररिस्ट के माइंड के दरमियान। हम चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, एक कोई वाकया होता है उसके हिसाब से उससे मिलती जुलती चीज़ों को हम करते हैं, और ये कॉन्स्टेंट बैटल है। वो कोई ऐसा टारगेट ढूंढते हैं जिसके ऊपर हमारी नज़र नहीं होती। अब अगर आप मनावा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर नज़र डालें तो वो बिल्कुल लाहौर से हटकर और थोड़ा साइट के ऊपर है, और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये इस किस्म की कोई वो कार्रवाई करेंगे। तो बेसिकली ये सरप्राइज़ का एलिमेंट अचीव करना और फिर इस इतनी बड़ी तादाद के अंदर पुलिस के मुलाज़मीन को शहीद करने से वो जो एक एलिमेंट ऑफ फियर है, ताकि जो पुलिस जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर इनका मुकाबला कर रही है, रोज़ाना अपनी जानें कुर्बान कर रही है, उनके दिल में ये फियर बिठाना कि हम आपको आपके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। जंगजुओं की तरबियत इलाके या माल गनीमत की खातिर लड़ने के लिए की जाती है, जबकि दहशतगर्द किसी सियासी या मजहबी नज़रिए की खातिर अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करने के लिए तरबियत हासिल करते हैं और इसे ऐन इबादत समझते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आइए उन दहशतगर्दों का पता लगाएं और मिलजुल कर उनका खात्मा करने में मदद दें कि इंसान और इंसानियत की बका के लिए इन सरगर्म मनफी कुवतों का खात्मा बेहद ज़रूरी है। आज 2 साल ते 10 दिन हो गए सैफ अल्लाह नूं, 2 सालां दे विच वापसी नहीं होई पुत्तर दी। सैफ अल्लाह कदी 10 साल भी उड़ाता ते मैं अक्खां नहीं सी रोणा, मैं आखना सी यार मेरा पुत्तर आ जाता, वो आने वाले थां ही नहीं गया। जितनी भी दहशतगर्दी फैलाएंगे ना, जो हम पुलिस वाले हैं, जो मुसलमान हैं, नौजवान हैं, ठीक है, हम उनके सामने सीना तान के खड़े हैं। जिस टाइम वो चाहें हम उनके लिए हम मोस्ट वेलकम कहते हैं, जिस दिन जिस टाइम वो चाहें, अगर वो बता के भी आएँ तो हम उसके सामने सीना तान लाएं, जैसे भी आएँ, जैसी भी हालत में आएँ, ठीक है, ना बताएँ बताएँ, हम उसके लिए मोस्ट वेलकम हैं।
सीना तानेंगे और तानते रहेंगे जब तक अल्लाह का नाम है, हमारी माओ की दुआएं। जब म्यों अस्पताल से मनामा से जो सबसे पहली डेड बॉडी गई है वो सैफुल्ला की गई है, उसके बाद जब इधर लेके आए हैं सबसे पहला सलूट, सबसे पहली सलामी जो है वो सैफुल्ला को मिली है। जब उधर से हमें रुखसत किया गया तो सबसे आगे सैफुल्ला की एम्बुलेंस थी, मैं उसमें मौजूद था। जब वो शहीद हुआ है तो मैं ही उसका सामान लेके वापस आया हूँ, तो मेरे साथ एक अपने इमोशंस और फीलिंग है। मैं यही कहूँगा कि उसने मेरे साथ दोस्ती शायद निभाई नहीं। दहशतगर्दी को उस वक्त तक हम फाइट नहीं कर सकते जब तक कि मुल्क कौम इकट्ठा नहीं होगा, और अवाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मदद नहीं करेंगे। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, पुलिस से लोग छुप सकते हैं लेकिन अवाम से नहीं छुप सकते।